नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका ETS न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के पंचायत भवन में। जिस प्रकार आपको पता है कि जैसे कि बिजली कर्मचारी हैं और किसान हैं, वो लगातार धरने कर रहे हैं, उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं पंचायत भवन में। यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो अपनी मुख्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। जी आपका जी नाम? मैं शकुंतला जागलान, कर यूनियन की मैं प्रधान हूँ। यहाँ हमने मजबूरन होकर नहीं यहाँ बैठना पड़ा है। हमारी 14 महीने का तो सेंटरों का किराया बकाया पड़ा है। 8 महीने की हमारी जो मानदेन मिलता है हमारा, वो बकाया पड़ा है। और जो हमारे CBSE का जो हमारा आता है पैसा, वो भी नहीं है। स्टेशनरी का सामान वो नहीं हमारे को मिला है। बाकी वर्दी का है, वर्दी का हमारा पेंडिंग पड़ा है। और जैसे हम आंगनबाड़ी हेल्पर है, वर्कर को हमारे को बुलाया जाता है, कभी स्टेडियम बुला लिया, कई पंचायत भवन बुला लिया, आने जाने का किराया बढ़ा हुआ है, लेकिन वो हमारे को किराया नहीं मिलता। जैसे अब खेल प्रतियोगिता थी, वहाँ हमारे को बोला भी 4-4 लेडीजों को लेके आना, भी उनका 4-4 का हमारा का किराया खुद पल्ले से भर के उनको लेके गए, लेकिन जब हमारा मानदेय नहीं मिल रहा है ना, हमारा सेंटरों का किराया मिल रहा है, हम कहाँ से भरे हूँ पैसा? कितने टाइम से किराया नहीं मिल रहा? 14 महीने का सेंटरों का किराया बकाया पड़ा है। 8 महीने की मार्च में हमारे को सैलरी होगी पेंडिंग, लेकिन हम सब जगह मिल लिए। ये जैसे तहसीलदार साहब जी आए थे, ज्ञापन लेके गए, उनकी भी आश्वासन नहीं दिया था। अभी मैं ये भी DC साहब को आपकी बात रखेंगे। आज भी सुबह मेरी फ़ोन से बात हुई है तहसीलदार का, जो PA आया था उनके साथ, वो कह रहे हैं मैडम आज आपकी बात रखें हमने। बल्कि ये कहा, अभी जो हमारा ज्ञापन लेकर जाते हो, क्या उसको कचरे में तो नहीं डालते आप? क्या हमारे DC साहब से तक बात नहीं पहुँचती? भी हम न्यूज़ के थ्रू भी हम आते हैं, हमारी बाइट लेकर जाते हो, क्या उनके थ्रू हमारी क्या वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचती क्या? भी हम हमारी हेल्परे वर्करे यहाँ बैठी हुई हैं, भूखी प्यासी बैठी हुई हैं, बैठने के लिए ऑफिस वालों के पास दरी भी नहीं है। जो सेंटरों का किराया नहीं मिल रहा, और जो मकान मालिक हैं वो सेंटर खोलने नहीं दे रहे हैं हमारे को। तो हम तो ये आपके इसके न्यूज़ के माध्यम से DC साहब को ये देना चाहते हैं, भी जितना जल्द हो सके हमारा सेंटरों का किराया और जो मानदेय है, वो इतना तो ज़्यादा हमारा मानदेय भी नहीं है। हमारी हेल्परे हैं, 6-6 हज़ार रुपये मिलते हैं उनको, क्या इतना कोई ज़्यादा जल्द से जल्द के बैठे हैं? कोई अधिकारी या कोई नहीं आया जी हमारे से मिलने अभी तक। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे की क्या कार्रवाई? हमारे मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम 2 दिन यहाँ बैठ के, और 26 को हम DC साहब के वहाँ जाकर बैठेंगे। भी हम लगातार धरना देंगे जब तक हमारा मानदेय नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि हम अपने अधिकारियों को तो बहुत बार देखे, फरवरी से लगे हुए हैं हम, जैसे ही लॉकडाउन खुला है तभी से हम अपनी ये डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले कम से कम हमें किराया तो दे दिया जाए, ताकि हम अपने आंगनवाड़ी खोल के जो भी हमारी सेंटर की जो सरकार की हमारी योजनाएं हैं उन्हें हम आगे बढ़ा सके। काम का तो हमारे ऊपर बार बार प्रेशर किया जाता है, आज ये रिपोर्ट दो, आज वो रिपोर्ट दो, हर प्रकार की रिपोर्टें, लेकिन जब आंगनवाड़ी हम नहीं खोल सकेंगे, वहाँ पर बैठ नहीं सकेंगे क्योंकि किराया नहीं है, किराया मकान मालिक हमें बैठने नहीं देते जाते हैं, तभी ये परेशानी हमें सामने आ जाती है कि पहले किराया दो। हमारे साथ कुछ ऐसे भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो बीमार हो रहे हैं, तो आइए करवाते हैं उनसे बातचीत। जी आपका नाम? ये मेरा नाम वीरपाल, मैं हेल्पर हूँ, और मेरे पति भी नहीं है, मेरे बेटा भी नहीं है, बेटियाँ हैं दो। सरकार झूठा नारा दे के हमें ये दिलासा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हम खुद बेटी हैं, अगर खुद नहीं बचेंगे तो हम हमारी बेटियों को कैसे बचाएँगे? हमारे पास, मैं खुद बीमार हो रही हूँ, 4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, और पैदल चल के जहाँ आई हूँ, किराया नहीं था मेरे पास। एक बेटी को मैंने किसी से उधार लेके 50 रुपये उसको कॉलेज भेजा है, और एक बेटी मेरी स्कूटी से गई है, उसको 50 रुपये तेल डलवाने के लिए उसको भेजा है, और मैं खुद पैदल आई हूँ। तो हमारा कहाँ वो है पोषण अभियान? इसी हिसाब से ये पूछना चाहती हूँ भी, इतनी कम सैलरी इनको जो मानदेय मिलता है उसमें हम गुजारा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा टाइम पर वो भी नहीं आता, तो हम क्या करें? हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं बचा, भी मजबूर होके हम यहाँ बैठे हैं आज लगा के धरना। तो इसी के साथ हमने मिलवाया आपको आंगनवाड़ी वर्कर के साथ, उन्होंने बताया कि 8 महीने से उनकी सैलरी आज रोक ली गई है। उन्होंने कई बार अधिकारियों से मिलकर उनके उनको अपनी मांगें बताई हैं, उन्होंने आगे से उनको आश्वासन भी दिया है, लेकिन आगे की कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है। तो इसी के साथ बने रहिए ETS न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।